हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुख्यात डकैत जगन गुजर हत्या से गिरफ्तार। बयाना 19 अगस्त। चंबल के बिहड़ों में आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात डकैत जगन गुजर को पुलिस ने बयाना पुलिस वृत्त क्षेत्र के थाना गड़ी बाजना के बिहड़ों से आधुनिक हथियार सहित गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने आगे की जानकारी देते हुए कहा है, जगन गुजर जो है ये कुख्यात अपराधी है और पहले भी कई बार जेल जा चुका है और इसके खिलाफ करीब 50 से ऊपर मुकदमे थे और अभी ये 2017 में छूट के आया था और उसके बाद करीब 14 महीने हो गए और पिछले कुछ दिनों से इसकी गतिविधियाँ काफ़ी बड़ी हुई, खासतौर पर करौली इलाके में 4-5 घटनाएं हुई हैं जिनमें शामिल पाया गया और इसके साथ ही साथ बाड़ीडांग इलाके में भी धौलपुर में इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया और जिसको देखते हुए फिर अपनी यहाँ पर टीम फॉर्म करी गई SP भरतपुर और इसके साथ ही साथ सारे ही SPs लगे हुए थे करौली और धौलपुर वाले भी। फिर SP धौलपुर को सूचनाएं मिली और इन्होंने इनकी जो टीम थी उसके थ्रू इस तक पहुँचे हैं और इसका ये नतीजा रहा है, इतने दिनों से पीछा कर रहे थे और घेराबंदी थी कि आज फाइनली उसी वजह से इसने सरेंडर किया है हथियार समेत। क्या हथियार बरामद किया है इससे? इससे हम लोगों ने एक सिंगल बोर राइफल बरामद करी है और जो कि चालू हालत में है वो भी जो है अपने साथ लेकर। क्या ये वही डकैत है जिस पर पूर्व में भी राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा इनाम घोषित हो चुका है? इस पे बिल्कुल पहले भी इनाम घोषित हो चुके हैं और अभी भी इसके ऊपर में 5,000 रुपये का इनाम है करौली ज़िले में और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे हीनियस केसेस भी लगे हुए हैं और अभी भी जो है कई एक केसेस है जिनमें ये हुआ। धौलपुर से जागरूक TV के लिए सनी कुशवाहा की रिपोर्ट।